प्यारे बच्चों, कालू बंदर और टिंकू बालू में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो जहाँ भी जाते मिलजुल कर जाते, मिलजुल कर इकट्ठे खेलते और इकट्ठे खाते पीते। नन्ना हाथी भी इनका गहरा दोस्त था। एक दिन तीनों दोस्त नदी के किनारे खेल रहे थे कि सुरख तोता इनके पास आया और इन्हें बताया कि जंगल के जानवरों पर शेरू चीते ने हमला कर दिया है और सभी जानवर बहुत परेशान हैं। सभी जानवर आप तीनों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात सुनते ही तीनों दोस्त जल्दी से जंगल के जानवरों के पास पहुंच गए। सभी जानवर बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि शेरू को किस तरह मज़ा चिखाया जाए। खैर, वो दिन गुजर गया। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि शेरू ने ज़ेब्रे पर हमला किया और इसे खा गया। इसी तरह शेरू अचानक से आता और किसी न किसी जानवर का शिकार करके इन्हें खा जाता। सभी जानवर कालू बंदर के पास इकट्ठे हुए और जंगल की सारी सूरत हाल कालू बंदर को बताई। कालू बंदर ने फैसला किया, क्यों ना छोटी परी को बुलाया जाए ताकि वो हमारी मदद कर सकें। कालू बंदर ने छोटी परी को पुकारा। जैसे ही कालू बंदर ने छोटी परी को पुकारा, छोटी परी जल्दी से कालू के पास आ गई और पूछा, क्या बात है कालू भैया, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। कालू बंदर ने सारी सूरत हाल छोटी परी को बताई। छोटी परी को वो शेरू पर बहुत गुस्सा आया और जल्द ही वो शेरू की गार में पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो शेरू को सामने पाती हैं, वो अपनी जादुई छड़ी से शेरू पर हमला कर देती हैं। छोटी परी अपने जादू से शेरू को बोना बना देती हैं और उसी गार में कैद कर देती हैं। तो देखा बच्चों, छोटी परी ने किस तरह अपने दोस्तों की जान बचाई। सच ये है कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत के दिनों में काम आए। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके।